लेट्स लुक एट अ कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल ऑफ एम आर पी के उसका रिकॉर्ड वगैरह किस तरह डिफरेंट uh, वो लिंक करते हैं रिकॉर्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह का और किस तरह उसको हम डेवलप करते हैं तो दैट एक कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल के अंदर आपको ये सारा क्लियर हो जाए uh, इसके अंदर बेसिकली uh, uh, एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इज़ uh, गिवन uh, वो अगली स्लाइड के अंदर है uh, उसके अंदर प्रोडक्ट ए इज़ द एंड प्रोडक्ट और उसके हमने बेसिकली uh, उस प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर उसके जो फैमिली uh, ट्री है वो हमने शो की हुई है और उसके बेसिस के ऊपर हमने डिटरमिन करना है कि कौन सा कंपोनेंट कब कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सो दैट फाइनली हम एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें तो उसके लिए हमने एम आर पी रिकॉर्ड सारे कंपोनेंट्स और सब असम्बलीस के डेवलप करने हैं इसके अंदर जो प्रोडक्शन शेड्यूल है ए का वो गिवन है कि थर्ड वीक के अंदर थर्टी फाइव यूनिट्स की प्रोडक्शन शुरू होनी है ए की फोर्थ वीक में ट्वेंटी की होनी है और फिफ्थ वीक में फिफ्टीन की होनी है ये एंड प्रोडक्ट ए है अच्छा एम एंड प्रोडक्ट का एम आर पी यूजली रिकॉर्ड नहीं बनता उसका एम पी एस रिकॉर्ड बनता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एम आर पी बनता है uh, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स और सब असम्बली जाती हैं उनका रिकॉर्ड एम पी एस से हमने डिटरमिन करना है ये हमारा एम पी एस है ए प्रोडक्ट ए का इससे हमने रिक्वायरमेंट डिटरमिन करनी है कि एक्स की कितनी चाहिए वाई के कितनी और कब प्रोडक्शन चाहिए अब इसके अंदर हमने ये देखना है ये ख्याल इसका ज़रूर हो कि हमने ऑलरेडी लो लेवल पर हम ले गए हैं वाई को वाई वाज लेवल वन पर भी एग्जिस्ट कर रहा था तो टू पर भी कर रहा था तो हम इसको टू पर ले आए हैं ये एक की लेवल पर अब वाई आ गए हैं तो इसके अंदर फर्स्ट लेवल पर एक्स है तो एक्स सबसे पहले एम आर रिकॉर्ड बनेगा फिर वाई का बनेगा जिसके अंदर प्रोडक्ट ए की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी और एक्स की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी और इनसे कम कंबाइन कर कर वाई का बनेगा रिकॉर्ड सी का बनेगा एक्स के वजह से फिर उसकी बारी है और लास्ट में डी और ई e की बारी आएगी बिकॉज डेट इज लेवल थ्री तो लेवल थ्री की सबसे एंड के अंदर बारी आएगी तो इसके अंदर थर्टी फाइव ट्वेंटी और फिफ्टीन एज चाहिए तो इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट ए के हमें याद रखना है कि वीक थ्री के अंदर थर्टी फाइव फोर में ट्वेंटी और फाइव में फिफ्टीन की रिक्वायरमेंट है और इसके बेसिस पर फिर बाकी हमने सारी एमआरपी रिकॉर्ड्स डिटरमिन करने